ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਹੋਂਦ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਮਨੋਰਥ ਵਿਰਾਸਤੇ ਖਾਲਸਾ। ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਰਾਸਤੇ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ। ਵਿਰਾਸਤਨਾਮਾ 'ਚ ਅੱਜ ਸੈਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਰਾਸਤੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀ। एक ढांचागत अजूबा, एक इतिहासक अजायब घर जो पंजाब अते सिख धर्म की संपूर्णता अते परंपरा दे 550 साल की यात्रा की याद दवाउंदा है। सूबे के महत्वपूर्ण आकर्षण विचों एक देश भर च सब तो वध वेख्या जाण वाला विरासत ए खालसा, जिसनों पहला खालसा हैरीटेज मैमोरियल कंपलैक्स के नाम वजों जाणिया जांदा सी। उन्नीस सौ नड़िन्नवे नूं जदों खालसे दी जन्म भूमि श्री अनंदपुर साहब दी धरती ते खालसे दे जन्म दी त्रै शताब्दी मनाई गई, तां इस घटना नूं यादगारी बनाउंदे होए पंजाब दे साबका मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल ने अनंदपुर साहब दी धरती ते विरासत ए खालसा दी शानदार इमारत नूं उलीकण दा फैसला लिया। शांति ते भाईचारे दा अमर संदेश। विरासत खालसा की गल की जाए तो जी पंजाब सरकार का एक मोटिव सीगा कि पंजाब दे विच एक ऐसी बिल्डिंग तैयार की जाए, एक ऐसा म्यूजियम होवे जिथे कि पंजाब का जिहड़ा मानमत्ता साडा इतिहास है जां साडा सभ्याचार है वो लोगों के सामने पेश किया जा सके। इस मोटिव नूं लैके पंजाब सरकार दे वल्लों 1998 दे विच विरासत खालसा का एक फाउंडेशन सैट किया जाता है और फिर जिहड़ा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हुंदा है। 300 साल शताब्दी नूं समर्पित किया जाता है और इस तरह कदम दर कदम जिहड़ा विरासत खालसा की बिल्डिंग तैयार होंदी है और 2011 दे विच इस विरासत खालसा का पहला भाग जिहड़ा पहला फस्ट फेज जिहड़ा है वो लोगों के सामने लिया गया, जिस दे विच के सिख इतिहास के नाल नाल पंजाबी सभ्याचार नूं दर्शाउंदी जिहड़ी इसकी पहली गैलरी है जिसनों बोट बिल्डिंग का नाम दिता गया है। उहदे विच पूरे दिन की एक जिहड़ी एक्टिविटी है, पूरे दिन का जिहड़ा कामकार का तरीका रहिंदा लोगों का, उसनों देखते हुए लोग जिवें सैकंड गैलरी में एंटर होंदे तो इतिहास शुरू होंदा है जो कि पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी तो स्टार्ट होकर 10 पातशाही हैं, 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी तक जिहड़ा है विरासत खालसा के पहले भाग में दर्शाया गया। विरासत खालसा होंद में लियाउण दे लई मेन मोटिव तो यही सीगा कि जिहड़ी साडी नवीं जनरेशन है, जिहड़े लोग सिख इतिहास तो अनजाण हन जां जिहड़े किते ना किते थोड़ा दूर हो गए ने उह इस मानव इतिहास नूं जाण सकन। इसी मोटिव नूं बड़े सफल तरीके दे नाल पंजाब सरकार जिहड़ी है उन्होंने अपना निभाया है और पंजाब टूरिज्म डिपार्टमेंट दे वल्लों सैर सपाटा विभाग दे वल्लों इस नूं बड़े सुचज्जे ढंग दे नाल जिहड़ा चलाया जा रहा है। 2011 तो लैके हुण तक जिहड़ी विरासत खालसा विच विजिटर्स दी आमद है, सैलानियां दी आमद है, वह दिन ब दिन जिहड़ी वधदी जा रही है, जिस करके असीं देखिया कि साडे पिछले समय दे विच विरासत खालसा नूं बहुत सारे अवार्ड मिले ने और जो कि इस चीज़ को दर्शाते हैं कि विरासत खालसा को लोगों वालों कितना सराहा जा रहा है, कितना ज़्यादा प्यार दिता जा रहा है और लोग भी जिहड़े ने इत्थे आ के इस इतिहास के बारे जानकारी प्राप्त करते हैं, जदों साडे नाल आ के गलबात करते हैं, सानू इन्हां गैलरियां विच जिहड़ियां पेंटिंग्स लगियां हुई ने जां जिहड़े इत्थे स्टैचूज वगैरह बनाए हुए ने उन्हां दे बारे पुछदे ने, उन्हां नूं असीं प्रॉपर गाइड करते हैं तो उन्हां नूं बहुत चीज़ां कई बार इस तरह हो जाते हैं कि यह चीज़ तो सानू पता ही नहीं सी, नवीं नवीं चीज़ां उन्हां नूं सीखने को मिलदियां ने। और जेकर असी गल करिए विरासत खालसा एक ऐसी जगह है जिसनों असी एक अजायब घर नहीं एक इंस्टीट्यूशन भी कह सकते हैं क्योंकि एक इंस्टीट्यूट की तरह काम करती है, जिवें असी स्कूल दे विच जाने कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं उस तरह अजायब घर विरासत खालसा है जिथे आके जिहड़े सैलानी ने नवीं जनरेशन है वो बहुत कुछ प्राप्त करके जाते हैं।
तकरीबन 100 एकड़ रकबे उसारिया गया विरासती खालसा नूं अंतरराष्ट्री प्रसिद्ध आर्किटेक्ट श्री मोसे सैफदी ने डिजाइन किया। इस तो पहला उन्हां वलों यरूशलम च होलोकास्ट म्यूजियम भी तैयार किया गया सी। विरासत खालसा की बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की गल की जाए तो इस बहुत ही फेमस जिहड़े आर्किटेक्ट है मिस्टर मोशे सैफदी फ्रॉम इजराइल, उन्होंने इस बड़े सोहने तरीके साढ़े सामने लिया। एक स्पीचेबल बिल्डिंग तैयार की है जी कि बिल्डिंग अपने आप बोल के दसदी है कि मेरे अंदर की इतिहास दर्शाया गया है। और इस तरह जेकर असं गल करिए लागत की तो पंजाब सरकार के वालों विरासत खालसा बनाने लिए तकरीबन 400 to 450 crore तक जी इन्वेस्टमेंट ये पर लगाई गई है, खर्चा किया गया और ये बिल्डिंग बन के साढ़े सामने आई है। और जेकर असी विजिटर्स की गल करिए शुरुआत तो लैके हूँ तक साढ़े को पर डे जे विजिटर ने 10,000 to 15,000 इस तरह साढ़े को विजिटर आते रहे हैं। सो विरासत खालसा अमीर विरसे इतिहास ते पंजाबी सभ्याचार दा अजिहा खजाना मनिया जांदा है जो गुरुआं दे पाए पूरनियां ते सैलानियां नूं प्रेरित करदियां असल संदेश मनुखता तक पहुंचाउण दा कारज कर रहा है। विरासत खालसा दीआं 27 गैलरियां नूं 2 भागां दे विच वंडिया होया है। पहली गैलरी दे विच पंजाबी सभ्याचार तों इलावा पहली पातशाही साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज तों लैके दसम पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे जीवन वरतान तों आए हुए सैलानियों नूं जाणू करवाया जांदा है। विरासत खालसा नूं कई भागां दे विच वंडिया होया है। सब तो पहला मुख द्वार च अंदर प्रवेश करदिया ही डिजिटल लाइब्रेरी आउंदी है, जिस तों बाद एग्जीबिशन हॉल तों हुंदे हुए एक पुल नूं पार करना पैंदा है, जिस नूं पार करदिया एक वक्खरा ही अनुभव ते कुदरती नज़ारा पेश हुंदा है। और इस तरह बी ब्लॉक बनया होया जी, बी ब्लॉक दे विच 165 मीटर लंबा ब्रिज बनाया गया जिस दे नीचे वाले भाग दे विच विजिटर्स दे लई रिफ्रेशमेंट दे लई एक कैफेटेरिया बनाया गया जिथे वह बैठ के अपना ब्रेकफास्ट लंच जिहड़ा लै सकते हैं। इस तरह ही विरासत खालसा दे बी ब्लॉक दे विच एक ओपन एयर थिएटर बनाया गया। ओपन एयर दे विच कोई भी फंक्शन हुंदा है उत्थे जिहड़ा अरेंज किया जाता है। इस दे नाल ही 7 एकड़ दे विच जिहड़ी है वाटर बॉडी बनाई गई है जो कि एक अलग ही दिख जी है विरासत खालसा की बिल्डिंग दिंदी है। और इतने गार्डन पार्क्स वगैरह बनिया हुई ने जिथे लोग जो ओपन एयर बैठ के इस बिल्डिंग का नज़ारा जो ले सकते हैं। विरासत खालसा च प्रवेश करद्या ही लाइट एंड साउंड च पुराने पंजाब की झलक वेखन मिलती है। इस 8 मिनट के शो के पंजाबी सभ्याचार वक् वक् चित्रां की जुबानी रूपमान किया होया। सो पहली गैलरी विच जिवें ही वो एक रैंप दे थ्रू घूमते हैं तो उन्होंने पूरे पंजाब का जिहड़ा सभ्याचार है साडे जिहड़ी डेली रूटीन है घरां दा काम कार है जां साडे जिहड़े रीति रिवाज ने रुत्तां ने पंजाब दीआं उन्हां नूं बहुत सोहणे तरीके दे नाल कटआउट्स दे उपर दर्शाया गया। 8 मिनट का लाइट एंड साउंड शो है जिहदे विच वो पूरे पंजाब दे सभ्याचार नूं इंजॉय करदे ने मॉर्निंग टू ईवनिंग सवेर ते शाम तों लैके सवेर तों लैके शाम तक का जिहड़ा पूरा एक दिन जिहड़ा उत्थे दर्शाया गया। विरासत खालसा नूं वेखण आउंदे हर सैलानी नूं एक विशेष किस्म दी आडियो डिवाइस दिती जांदी है जो सेंसर दे जरिए हर गैलरी च प्रवेश हुंदिया उस गैलरी दा इतिहास दसदी है। जिवें विजिटर आउंदे ने उन्हां नूं पहले गाइड कर दिता जांदा है कि तुसीं अपना आईडी कार्ड अपने कोल रखो ताकि आईडी कार्ड दे बिहाफ ते जिहड़ा तुहानूं आडियो डिवाइस जिहड़ा प्रोवाइड करवाया जाएगा। ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਾਨੀ ਨੇ ਉਹ ਕਾਊਂਟਰ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਈ ਡੀ ਪਰੂਫ ਸਬਮਿਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵਾਈਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਔਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੈਂਸਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਸ ਵੀ ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਗੈਲਰੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਉਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ ਨੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨੇ ਉਹ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਨੇ।
और उस तो बाद जो सैकेंड जी तीसरी गैलरी आ जाती है सैकेंड गैलरी क्रॉस करने तो बाद उस बिल्डिंग में जोड़ा एक ड्रम शेप के बनाया गया जिस एक बहुत सुंदर एक शैंडलेयर बनाया गया जिस एक ओंकार का शब्द है क्योंकि गुरु नानक देव जी जो असं देखते हाँ तो उन्होंने जी फिलोसफी है जो इतने धर्म को अगे चला की जी गल है वो एक ओंकार तो परमात्मा की एक होने की होंद तो शुरू होंगे सो एक ओंकार बड़े सोहने तरीके शैंडलेयर दर्शाया गया उस तो बाद जी अगे बिल्डिंग आँदी है उसनों बहुत सोहने तरीके एक फुल की तरह जरा दर्शाया गया एक फुल दियां पंज पत्तियां दे रूप में बिल्डिंग बनाई गई है जिसकी एक एक पत्ती दे विच पहले गुरु नानक देव जी पहली पातशाही तो लैके पंजवें पातशाह गुरु अर्जन देव जी तक हर एक गैलरी दे विच जिहड़ा है पेंटिंग दे थ्रू या किसी अलग आर्ट दे थ्रू जिहड़ा है उन्हां दे इतिहास बारे जानकारी दी गई है सो जिवें ही विजिटर आउंदे ने वो गुरु नानक देव जी दे बचपन तो लैके उन्हां दियां जिहड़ियां चार यात्रावां उन्हां ने कीतियां ने वो सारा इतिहास देखदे ने विरासते खालसा की टिकट बिल्कुल मुफ्त है सैलानियों लई सवेरे 10 बजे तो एंट्री शुरू होंदी है ते शाम 4:30 बजे तक ये एंट्री बंद कर दी जाती है विरासते खालसा की दूसरी ते अंतम गैलरी दे विच पंजाब राज दी गल कीती गई है इस तों इलावा पंजाब दियां रियासतां नूं बहुत ही सोहने ढंग दे नाल दिखाया गया है विरासते खालसा नूं हर दिन औसतन 5200 तों ज़्यादा सैलानी वेखण लई आउंदे हन 2011 तों बाद महज 7 सालां च हुण तक 97 लाख तों ज़्यादा सैलानियों ने विरासते खालसा नूं वेख्या ते शाना मते इतिहास तों जाणू होए इस प्राप्ति दा सदका विरासते खालसा दा नाम लिमका बुक आफ रिकॉर्ड्स च वी दर्ज होया विरासते खालसा दियां 27 गैलरियां दे विच सिख गुरु साहिबान तों इलावा 12 मिसलां महाराजा रणजीत सिंह दे शाही दरबार तो इलावा होर भी अनेक इतिहासक पहलुआ नूं बहुत ही सुंदर तरीके दे नाल दिखाया गया चल के 12 मिसलां की गल की गई है वह 12 मिसलां जिन्होंने अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ जिहड़ा सीगा उहदे फौज नूं रोकण दे लई अपना डट के मुकाबला किया और पंजाब राज नूं बचाउण दे लई उन्होंने अपना योगदान पाया बड़े सोहने स्टैचूज जिहड़े दे बनाए गए ने सिलिकॉन मेड स्टैचूज ने जिन्हां नूं देख के सानूं बड़ा फील हुंदा है कि यह तो बिल्कुल ओरिजिनल परसन ओरिजिनल किसी इंसान की तरह खड़े हुए हैं एक कलाइडोस्कोप बनाया गया जो कि एशिया का सब तो वड्डा कलाइडोस्कोप सानूं देखने को मिलता है और इस तरह अगली गैलरी में उन्हां 12 मिसलों में कुछ मिसल शुकर चक्कियां में अगर साढ़े सामने आते हैं महाराजा रणजीत सिंह जी जिन्हां ने खालसा राज नूं एकजुट किया और खालसा सरकारे खालसा बनाई उन्हां दे दरबार नूं दर्शाया गया जिस विच महाराजा रणजीत सिंह जी दे सोने की कुर्सी जां उन्हां दे कोहिनूर जिहड़ा डायमंड उन्हां कोल सीगा उह सब चीज़ां नूं जिहड़ा आर्टिफिशियली दर्शाया गया दरबार साहब के उपर सोने का जिहड़ा काम होया उह सारा बखूबी तरीके दे नाल दर्शाया गया महाराजा रणजीत सिंह जी के देहांत तो बाद पंजाब राज दा की हशर होया वह सारा अगली गैलरी में दर्शाया गया जिथे कि महाराजा रणजीत सिंह के बच्चों के बारे जानकारी दी गई है और ईस्ट इंडिया कंपनी किवें आउंदी है किवें वो पंजाब दे विच जिहड़ियां एंगलो सिख वार हुई ने यह जिहड़ियां दो जंगा साडे इतिहास दियां जिहड़ियां ने वह दर्शाईयां गईयां ने और फिर किवें अंग्रेजी हुकूमत जिहड़ी 1849 दे विच इत्थे अपने पैर पसारदी है और ब्रिटिश अंपायर जिहड़ा सैटअप हुंदा है किस तरीके दे नाल कलोनियल रूल जिहड़ा अप्लाई किया जाता है बिल्डिंग्स बनाई जांदियां ने और एक एक करके वह सब जिहड़ी जानकारी दित्ती गई है सब तो अखीर च देश की आज़ादी च सिखां वलों पाए योगदान की गल की गई है इस दे विच मास्टर तारा सिंह की स्पीच आए सैलानियों लई एक विशेष खिच का केंद्र बनती है मास्टर तारा सिंह की स्पीच उस तरह हूबहू सुनाई जाती है तो उन्हां दा बुत जदों हिलजुल करता है तो इंज प्रतीत हुंदा है जिवें वह खुद संबोधन कर रहे होण सारा इत्थे बड़े बहुत सोहने तरीके दे नाल दर्शाया गया इस तो बाद जो असं अगे आने तो लाला लाजपत राय जी तो जोड़े प्रभावित हो के भगत सिंह सुखदेव या राजगुरु उन्होंने शहादत की है साढ़े हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए उन्होंने लिए भी इतने एक बहुत सोहने मॉडल के रूप में उन्होंने इतिहास में दर्शाया गया मुहम्मद अली जिन्ना के वलों जो पाकिस्तान का एजेंडा लिया जाता है उसके विरोध में जो स्टेटमेंटा साढ़े सामने आई साढ़े सिख लीडर के वलों साढ़े प्रचारकों के वलों जिन्हों मास्टर तारा सिंह जी की एक लाइव स्पीच जी है एक स्टैचू के रूप में दिखाई जाती है जो कि बहुत ज़्यादा आकर्षक है जो असं उस स्टैचू देखते हैं तो उस ही वर्ड जोड़े उस टाइम पर मास्टर तारा सिंह जी ने शब्द बोले थे उन्होंने बखूबी उस गैलरी में दिखाया गया है
और जो सैलानी ने वो जो उस चीज़ को देखते हैं तो बड़े हके पक्के हो जाते हैं, बड़े ध्यान के नाल उस स्टैचू को देखते हैं क्योंकि उन्होंने आइज़ ब्लिंक हो रही ने, अखा वो हिला रहे हैं, लिपसिंग प्रॉपर है, बोल रहे हैं, बड़ा इंट्रस्टिंग है। विरासत ए खालसा के रख रखाव से आए हुए सैलानियों की सहूलत लई स्टाफ की भी अहम भूमिका रहिंदी है। समुचे स्टाफ नूं तीन भागां दे विच वंडिया होया जो अपनी ड्यूटी नूं बेहतरीन तरीके दे नाल निभाउंदा है। विरासत ए खालसा के स्टाफ की गल की जाए तो साढ़े को तीन चार भागों के विरासत ए खालसा का स्टाफ हैगा, जिदे साढ़े को सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है जिहड़े कि सारे इस बिल्डिंग नूं और विजिटर्स नूं सिक्योर करते हैं। उस तो इलावा साढ़े को इतने मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है जिहड़ा कि इस विरासत की रख रखाव के लिए अपना योगदान पाँदा है, और साढ़े इतने विजिटर गाइड डिपार्टमेंट है जो कि आए हुए सैलानियों को गाइड करते हैं, उन्होंने इस म्यूजियम के बारे जानकारी देते हैं। सो ओवरऑल जेकर असीं गल करिए तकरीबन 150 के करीब जिहड़ा साडा स्टाफ है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का कुल मिला के जिहड़ा है वह सारा इत्थे वर्क करता है। विरासत ए खालसा नूं देश ही नहीं विदेश दीआं प्रमुख हस्तियां भी वेख चुकियां हन, जिन्हां दे विच कैनेडा दे प्रधानमंत्री तों इलावा वख-वख देशां दीआं नामवर हस्तियां दे नाम शामिल हन। प्रबंधकां दा कहना है कि 2011 तों लैके हुण तक बहुत वड्डी गिणती च सैलानियां ने विजिटर बुक च अपने विचार दर्ज कीते हन, ते बहुतात गिणती च लोकां दा कहना है कि वह इत्थे आके अपने आप नूं तरोताज़ा महसूस करदे हन। इस दे नाल ही उन्हां दा कहना है कि मुफ्त दी थां विरासत ए खालसा दी टिकट फीस जरूर होनी चाहीदी है। ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਬੁੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਫੀਡਬੈਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ 2011 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਬੁੱਕਸ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿ 99% ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਿਰਾਸਤ ਏ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਭਵ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰਲੀ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵਿਰਾਸਤ ਏ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੀਫਰੈਸ਼ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਰਾਸਤ ਏ ਖਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਰਟ ਸ਼ੈਲੀ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੱਟ ਆਊਟਸ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਵੁਡਨ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਮਬਰਾਇਡਰੀ ਡਿਜ਼ਾਇਨਿੰਗ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਲਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਲਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਵਿਰਾਸਤ ਏ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਐਂਟਰੀ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਿਰਾਸਤ ਏ ਖਾਲਸਾ ਦਾ, ਫਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟਰਸ ਦੇ ਲਈ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਤੋਂ ਜਾਂ 50 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਖਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਰਾਸਤ ਏ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਰਾਸਤ ਏ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਚੱਲ ਸਕੇ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਭਵ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨਲੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਜੋਏਬਲ ਪਰਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮਾਂਗੇ ਫਿਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਅਨੁਭਵ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਬੁੱਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਵਿਰਾਸਤ ਏ ਖਾਲਸਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਮੀਰ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਵਿਰਾਸਤਨਾਮਾ 'ਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਵਾਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਰਾਸਤ ਏ ਖਾਲਸਾ ਦੀ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁਕੱਦਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂ ਤਾਂ ਵਿਰਾਸਤ-ਏ-ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਾਮਤ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਵੋ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਮੇਲ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।